हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन इंडियन प्रो म्यूजिक लीग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। कोशिश है कि इसको सबसे बड़े पैमाने पर लेके जाएं, और ये भी कोशिश रहेगी कि हर साल आपको ये म्यूजिक लीग हम देते जाएं। आप जो इसके ब्रांड एंबेसडर हैं, तो कितना फीलिंग मोमेंट होता है आपकी तरफ से, क्या देखेंगे? क्योंकि हम आपके भी छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, जब आप भी गाना गाते हैं वो बहुत ही वायरल हो जाता है, तो क्या हम यहाँ पर आपकी भी कुछ झलकियाँ देखेंगे? देखेंगे वो, जब आप शो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है, जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफी एनर्जी है एक म्यूज़िक। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है, म्यूज़िक, बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी तीन गाने बनाए और बहुत तीन गाने बना के हमारे चैनल पे डाल भी दिए थे, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है, इसकी जो एनर्जी होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, एनी लीग एक, तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूजिक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। मेरी तरफ से यही होगा कि द बेस्ट मैन विंस, बेस्ट टीम विंस। ये लोग कहाँ जा रहे हो? जी हाँ, बस आपकी तरफ से ये पहल हुई है, लोग अभी डर रहे हैं कि अभी देखो। हाँ तो अब हमारी तो तीन पिक्चर रेडी बनकर बैठी हैं, तो सिंगल स्क्रीन्स की का बहुत मुश्किलात ये है कि वैसी बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर। तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं, अब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फील आ रहा है वहाँ पर, एक शमशान जैसा फील आ रहा है कि एकदम सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे, और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस के वजह से बंद हो चुके हैं, तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिजनेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं, और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ थिएटर्स के अलावा, तो एक catch-22 सिचुएशन है। और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट है। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो और वैसे ही देख लो आप सब नॉर्मल घूम रहे हैं, और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आए देखने के लिए पिक्चर, तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज वगैरह कर लें, ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है, प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स का, कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं, तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं,
और दुआ है कि 2021 और 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक इट्स नॉट कूल एट ऑल। जी हाँ, गौर से सुनिए, ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई, या मेरा ही लेना देना है वैलेंटाइन डे से। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे, गॉड ब्लेस, बी सेफ। हाँ कहूँगा, जरूर कहूँगा, ऑफ कोर्स। तो द राइट थिंग शुड बी डन, द मोस्ट करेक्ट थिंग शुड बी डन, द मोस्ट नोबल थिंग शुड बी डन, यही है, सही चीज़ होनी चाहिए हर एक के साथ। विजुअल done with this?